एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी जंक्शन बाय गगन यादव सर में। आज फिर से मैं हरियाणा जीके से संबंधित एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा वाले माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है। लेकिन हरियाणा वाले तो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि दुनिया से और भारत से माउंट एवरेस्ट पर कौन पहुँचा। अगर मैं विश्व की बात करूँ तो सबसे पहले 29 मई 1953 को एक व्यक्ति था एडमंड इलेरी, न्यूजीलैंड का, और इसके साथ तेनसिंह नोर्गे जो कि नेपाल का था, ये एक शेरपा थे। ये दोनों एक साथ माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे, विश्व से पहले व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे, तो ये पुरुष थे। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं में 1975 में जापान की एक महिला थी जिनको तांबे, कहां से थी, नेपाल से, सॉरी आपकी जापान से, और ये 1975 पर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी। इसके बाद ये दोनों तो हमारे हो गए विश्व से। अगर मैं भारत से बात करूं तो भारत से पुरुषों में सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे वो थे अवतार सिंह चीमा जी। ये 1965 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे, भारतीय सेना के जवान थे। और अगर मैं महिला वर्ग में बात करूं तो महिलाओं में भारत की तरफ से पहली बार जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी वो थी बछेंद्री पाल। 1984 में ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। अवतार सिंह चीमा जी पंजाब से थे और बछेंद्री पाल की बात करें तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंध रखती थी। ये भारत की तरफ से पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंची थी। अब बात करते हैं हरियाणा की। अगर हरियाणा की तरफ से बात करें तो हरियाणा की तरफ से पहली बार जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी वो हमारी रेवाड़ी जिले की बेटी थी संतोष जी, संतोष यादव। हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं और ये हरियाणा की तरफ से पहली बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी 10 मई 1992 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। और यही नहीं, अगले ही साल, दो साल में लगातार दो बार, अगले ही साल सेम डेट 10 मई 1993 को ये फिर माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। और ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने, दो बार पहुंचने वाली भारत की पहली महिला भी बनी, हरियाणा रहना नहीं, भारत की, ठीक है। और हरियाणा की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी संतोष जी। के बाद आगे बात करें तो एक हमारी कैथल की बेटी है ममता सोद्धा, और ममता सोद्धा जी जो है कैथल से जो बिलोंग करती हैं वो 2010 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी पहली बार, ठीक है। तो ये हरियाणा की तरफ से दूसरी महिला हो गई, कैथल से गई, 2010 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। और जब ये माउंट एवरेस्ट से लौट कर आई तो इनको उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार होती थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने इनको 21 लाख रुपये और DSP का पद दिया था। आज ये हरियाणा पुलिस के अंदर DSP की पोस्ट पर है। और आगे हुआ क्या, एक छोटा सा किस्सा आपको बताते हैं। 2011 में इनके जो पति हैं वो भी माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए और जब माउंट एवरेस्ट से नीचे आए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बोले, ले भाई मेरे भी 21 लाख रुपये दे और DSP की पोस्ट दे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ये ऑफर तो लिमिटेड समय के लिए था और केवल ममता सोद्धा के लिए था, ठीक है ना, ये अवेलेबल नहीं है ऑफर आपके लिए। और इस बात पर ममता सोद्धा के पति ने जो है हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में केस कर दिया। और दो केस हुए थे, एक तो 21 लाख रुपए की इनामी राशि के लिए और दूसरा DSP की पोस्ट के लिए। अब इसमें बता दूं 21 लाख रुपए वाला केस तो ममता सोद्धा के पति जीत चुके हैं, उनको 21 लाख रुपए मिल गया है, और DSP जो है इस पोस्ट के लिए अभी केस जारी है। और उसके बाद लगातार हरियाणा से कई जो हैं हमारे बेटे और बेटियां माउंट एवरेस्ट पर पहुंच चुके हैं, तो हरियाणा सरकार भी समझ गई भाई ज़्यादा लोग हैं माउंट एवरेस्ट पर जा रहे हैं, तो इस पुरस्कार राशि को कम कर दिया गया। और अब हमारे हरियाणा में माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो कितनी रुपए दी जाती है,
5,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। ममता सोदा जी के बारे में एक और शेयर कर देता हूँ आपको आंकड़ा। 2014 में ममता सोदा को, हमारी बेटी को, चौथा, भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी दिया गया था, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि हमारा पद्मश्री है। 2014 में इन्हें इससे भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें तो एक हमारी है, दो बेटियां हैं हरियाणा से, जुड़वा बहन है ताशी और नुंशी मलिक। ये दोनों, पहली बात तो जुड़वा बहने हैं हरियाणा की तरफ से, और जो ताशी और नुंशी मलिक हैं ये हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करती हैं। कहां से बिलोंग करती हैं? सोनीपत से। और 19 मई 2013 को ये दोनों बहनें एक साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, और हरियाणा की तरफ से पहली जुड़वा बहनें थी जो माउंट एवरेस्ट पर गई एक साथ 19 मई 2013 को। साथ ही ताशी और नुंशी मलिक के बारे में एक और बात बता दूं, ताशी और नुंशी मलिक 7 महाद्वीपों की 7 जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिनको हम बोलते हैं सेवन समिट। सेवन समिट का मतलब 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियां, उन 7 चोटियों के ऊपर भी एक साथ ये फतह कर चुकी हैं। जैसे हम बात करें उत्तर अमेरिका महाद्वीप की, जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट मकिनले है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अकांकागुआ है। अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो है। अगर यूरोप की बात करें माउंट एल्ब्रूस है। एशिया की माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोशिस्को है, और ऐसे ही अंटार्कटिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिफ, इन 7 चोटियों के ऊपर भी ये फतह कर चुकी हैं। तो ऐसा करने वाली भी पहली जुड़वा बहने है। साथ में यही नहीं रुकी है दोनों जुड़वा बहने, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो हमारा दुनिया का उत्तरी बिंदु है और दक्षिणी बिंदु है, उन दोनों के ऊपर भी एक साथ इन बहनों ने क्या की? फतेह की। तो ये ताशी और नुंशी मलिक जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले हरियाणा से कौन जुड़वा बहने हैं जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर गई, 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर गई, नॉर्थ पोल पर गई, साउथ पोल पोल पर गई, तो हम कहेंगे ताशी और नुंशी मलिक। इसके बाद अगले बिंदु पर आते हैं। इसके बाद हरियाणा की बेटी तो नहीं, लेकिन एक बहू है हरियाणा की, आशा सिंह जी, और बहुएं भी हमारी बेटियों के समान ही हैं। आशा सिंह जी की बात करते हैं। आशा सिंह राजस्थान से बिलोंग करती हैं और हरियाणा के रेवाड़ी में इनकी शादी हुई है आशा सिंह जी की। और आशा सिंह 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, ये भी हरियाणा की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। तो कह सकते हैं भाई हरियाणा की पहली बहू जो माउंट एवरेस्ट पर गई हमारे हरियाणा वालों की तरफ से, और आशा सिंह राजस्थान की पहली महिला है, राजस्थान की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर गई, और अभी हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करती हैं ये, तो इनका नाम भी लेना जरूरी है। तो एक आशा सिंह जी का नाम ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला जो व्यक्तित्व है ये एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था, एक है हमारे नरेंद्र सिंह। कौन जी? नरेंद्र सिंह जी। जो नरेंद्र सिंह है ये भी 2017 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे, और भाई नरेंद्र सिंह जो है ये कोसली रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, और कोसली के बारे में आप जानते हैं, हरियाणा का ऐसा कस्बा, हरियाणा का ऐसा गांव जहां से भारतीय सेना में सबसे अधिक ऑफिसर्स हैं, सबसे ज्यादा अधिकारी हैं कोसली, ठीक है, और सेना में नहीं अन्य विभागों के अंदर भी सबसे ज्यादा जो अधिकारी हैं वो रेवाड़ी के कोसली गांव से है। और यहां से हमारा बेटा नरेंद्र सिंह 2017 में माउंट एवरेस्ट पर फतह करके आया। और नरेंद्र सिंह जी के बारे में बता दूं, नरेंद्र सिंह जी 20 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करके आए थे, जो कि हरियाणा के सबसे कम आयु के पुरुष थे जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंचे।
ठीक है जी, सबसे कम आयु के पुरुष, और ये क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब नरेंद्र सिंह की बात हुई जो कि हरियाणा की तरफ से सबसे कम उम्र के थे जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे, तो इसी के साथ मैं बात कर लेता हूं हमारी बेटी शिवांगी पाठक की। शिवांगी पाठक के बारे में आपने सुना होगा, काफी दिनों से जो है चर्चा में हरियाणा के अंदर, शिवांगी पाठक हिसार से हमारी बेटी है। ठीक है, और शिवांगी पाठक जो है इन्होंने 16 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट फतेह की थी 16 साल की उम्र में। मैंने कहा शिवांगी पाठक हिसार से हैं, 16 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट फतेह करी 16 साल की उम्र में, और ये हरियाणा की तरफ से सबसे कम आयु की महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंची। सबसे कम उम्र की महिला की अगर बात करेंगे तो कौन है, शिवांगी पाठक जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंची, तो इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है हरियाणा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, हरियाणा में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वालों के कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है, महिला पुरुष, ठीक है ना, सबसे अधिक उम्र के, सबसे कम उम्र के पुरुष, सबसे कम उम्र की महिला, एक साथ जुड़वा बहने पहुंच गई, और अगला जो कॉम्बिनेशन है वो है बाप बेटी का एक साथ। अजीत बजाज और दिया बजाज, ये पिता और पुत्री, नेटिव प्लेस तो इनका जो है पंजाब है, बाकी हरियाणा में ये संबंध रखते हैं गुड़गांव से। और अजीत बजाज दिया बजाज 2018 में एक साथ माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे, और माउंट एवरेस्ट पर हरियाणा की तरफ से पहुंचने वाले पहले पिता पुत्री थे अजीत बजाज और दिया बजाज, आप ये ध्यान रखेंगे। तो एक नया कॉम्बिनेशन, जुड़वा बहनों के बाद पिता और पुत्री का कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभी सफर खत्म नहीं हुआ है, और मैं इस बात पर गर्व महसूस करता हूं कि हरियाणा से ज्यादातर हमारी बेटियां जो है माउंट एवरेस्ट पर पहुंच रही हैं। हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात में पूरे भारत के अंदर, फिर भी हरियाणा की बेटियां लगातार जो है नाम रोशन कर रही हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो करंट अफेयर्स के अंदर भी है, अगला जो नाम है वो है अनीता कुंडू का। अनीता कुंडू के बाद के बिना हमारा ये जो टॉपिक है वो अधूरा है भाई। क्यों? अनीता कुंडू जो है एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली अकेली महिला हैं हरियाणा की तरफ से। कितनी बार? तीन बार। और अनीता कुंडू फरीदपुर गांव से बिलोंग करती हैं जो कि हिसार का एक गांव है। कहाँ का गांव है हिसार? कौन सा गांव है हिसार का? फरीदपुर। यहां से बिलोंग करती हैं अनीता कुंडू, और अनीता कुंडू एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे तीन बार माउंट एवरेस्ट पर गई हैं। और तीन बार, पहली बार ये 2013 में गई माउंट एवरेस्ट के ऊपर, दूसरी बार 2017 में माउंट एवरेस्ट पर गई, और अभी हाल ही में जो है ये फिर से 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। ठीक है, और 2013 में जब ये पहली बार माउंट एवरेस्ट पर गई तो नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, 2017 में ये चीन की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दो रास्ते हैं, एक भारत की ओर से, एक चीन की ओर से, और ये अकेली महिला हैं जो दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, नेपाल की तरफ से भी, चीन की तरफ से भी। चीन की तरफ का रास्ता थोड़ा सा दुर्गम है, मुश्किल है, लेकिन इन्होंने दोनों तरफ से जो है फतेह प्राप्त की। तो एक ये दोनों ओर से, चीन से भी और नेपाल की ओर से भी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं, और ये फरीदपुर हिसार से क्या है बिलोंग करती हैं। तो अनीता कुंडू जी के बारे में बता दूं, ये हरियाणा पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर हैं। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसको मैं रब कर देता हूं, तो अनीता कुंडू जी के बारे में बात हुई। इसके बाद आगे बात करें तो हाल फिलहाल में हमारे हरियाणा से और कौन कौन है, 2019 के अंदर ही बात करूं, हरियाणा से कौन कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर गया। एक हमारा भाई है, भाई कपिल ठाकुर। भाई छोरे नाराज मत हो जाना,
उनका भी नाम ले रहा हूँ, और छोरे ने झंडे गाड़ दिए भाई कपिल ठाकुर ने। कैसे? कपिल ठाकुर है सोनीपत से, हरियाणा पुलिस का ये एसआई है कपिल ठाकुर हमारा भाई। और कपिल ठाकुर ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। कैसे? पहली बात तो कपिल ठाकुर हमारी राजधानी दिल्ली से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक, दिल्ली से काठमांडू तक साइकिल चलाकर गए। कॉम्बिनेशन बड़े हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के भी। तो इन्होंने क्या कॉम्बिनेशन बनाया, ये दिल्ली से काठमांडू तक किस पर गए? साइकिल से। और फिर बाद में इन्होंने माउंट एवरेस्ट भी फतेह की। तो कपिल ठाकुर का भी आप नाम ध्यान रखेंगे, जो साइकिल के ऊपर काठमांडू गए और फिर उन्होंने वहां पर माउंट एवरेस्ट भी फतेह की। इसके अलावा एक हमारी बेटी है मनीषा, मनीषा मनीषा जो है हमारी फतेहाबाद से है, ये 2019 में है कपिल ठाकुर जी ना, ठीक है ना। और मनीषा फतेहाबाद से है, ये भी 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। तो एक और बेटी है हमारी हरियाणा से मनीषा जी, ये भी इस साल जो है वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंची थी, ठीक है। तो ये दो लोग और। लेकिन अंत में एक दुख की बात बताऊंगा, इसी साल हमारा एक बेटा और है रवि ठाकुर। किसकी बात करेंगे? हम रवि ठाकुर जी की बात करेंगे। और रवि ठाकुर जो है ये सोनीपत से हैं। पहली बात खुशी की बात क्या है कि 16 मई 2019 को रवि ठाकुर ने माउंट एवरेस्ट पर फतेह प्राप्त कर ली थी, लेकिन वापस आते वक्त इनकी मृत्यु हो गई। तो एक थोड़ी दुख की बात है कि रवि ठाकुर हमारा जो बेटा हरियाणा से, उसने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, लेकिन वापस आते वक्त 16 मई 2019 को उन्होंने विजय प्राप्त की। और वापस आते वक्त जो है रवि ठाकुर जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये कुछ लोग थे जो हरियाणा की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे। एक आपने बात नोट की होगी, अंत में थोड़ा सा आपको समराइज कर देता हूं कि माउंट एवरेस्ट पर अधिकतर लोग जो है मई में जाते हैं, क्योंकि मई में माउंट एवरेस्ट पर जो है सर्दियां थोड़ी कम हो जाती है, बर्फ़ पिघल जाती है, तो उसके ऊपर चढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अधिकतर लोगों को परमिशन दी जाती है मई में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का खर्चा लगभग 25 लाख रुपये, ठीक है। और एक बार में एक साल के अंदर लगभग 100 लोगों को नेपाल सरकार माउंट एवरेस्ट पर जाने की जो है अनुमति देती है। तो इसी के साथ अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।